नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स। मैं हूं ऋषभ सिंह रावत। फर्स्ट टेस्ट जो चल रहा है भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं गांधी मंडेला सीरीज, जो विशाखापट्टनम या वाइजैक कह लीजिए, उसका जो फर्स्ट टेस्ट चल रहा है, वहां पे आपने देखा होगा जब मैं अग्रवाल का विकेट गिर गया, उसके बाद थोड़ा बैक स्टेप ले रहा था मैं, बैकफुट पर लग रही थी टीम इंडिया की बात करें तो, लेकिन वहां सबसे अच्छी मैच विनिंग पार्टनरशिप की जाए मानी जाए तो वो की थी रोहित शर्मा और चेतेश्वर पुजारा ने। 169 रन का टोटल स्टैंड था, जहां पे चेतेश्वर पुजारा ने 81 रन बनाया, वहीं पे 127 रन की धमाकेदार पारी खेली रोहित शर्मा ने, हिटमैन ने। लेकिन उसके जो पारी के बीच में, जी हां, मैं बात कर रहा हूं 26वें ओवर में, जहां पे एक बहुत ही फनी इंसिडेंट कह लीजिए या बहुत ही नॉन स्पोर्टिंग मोमेंट आप कह सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ऐसी वार्तालाप हुई है, ऐसी भाषा का प्रयोग किया, यहां पे रोहित शर्मा एक सिंगल चाहते थे लेकिन उनको वापस भेज दिया था चेतेश्वर पुजारा ने, उन्होंने कहा था कि रिस्की कॉल है, लेकिन उसके बाद जो भाषा यूज की, जी हां, मैं बात कर रहा हूं रोहित शर्मा ने, जिन्होंने कहा था कि भाग और उसके आगे कुछ ऐसे अभद्र शब्द यूज किए अपने टीममेट के लिए, सो कॉल्ड नॉन स्ट्राइकर एंड पे जो खड़े होते हैं चेतेश्वर पुजारा, कि उनको मजबूरी में भागना ही पड़ा और सिंगल लेना पड़ा। तो ये दिखाता है कि कभी कभी जो ऐसे ऑन द फील्ड बहुत ही आप फनी मोमेंट्स कह सकते हैं, बहुत ही क्रेजी स्पोर्टिंग मोमेंट्स कह सकते हैं, लेकिन ये दिखाता है कि आप जो ओवर फ्रेंडली नेचर का भी कभी प्लेयर्स का, खासकर जब से स्टम्प माइक लग चुका है, जी हाँ, आप देख सकते हैं कि जो बैंड चल रैंटर चल रहा था बीच में टिम पेन और ऋषभ पंत का, जब मेलबर्न या कह लीजिए जो पूरा ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे थे टीम इंडिया, उसके बाद कुछ MS धोनी के लोग कहते थे कि उनको DRS लेना चाहिए या उनको उसके बाद फ्यूचर कमेंटेटर बनना चाहिए, लेकिन साथ ही में जो ऐसे इंसिडेंट होते हैं बहुत ही फनी इंसिडेंट होते हैं, क्योंकि लोगों को खासकर जब ऐसे आप टीममेट्स हो, एज अ फ्रेंडली नेचर में आप ऐसी भाषा का प्रयोग करने लग जा सकते हो, लेकिन जब यही ऐसी भाषा नेशनल टेलीविजन पर कवर की जाए और जब आपको रिकॉर्ड करके बार बार आपको सुनाई जाए तो बहुत ही वियर्ड हो जाता है, बहुत ही क्या कह सकते हैं आप, आयरोनिक हो जाता है दोनों ही बैट्समैन के लिए, जो इस भाषा का प्रयोग कर रहा है और दूसरे एंड में जो सुन रहा है उसके लिए भी। तो यहाँ हमारा उद्देश्य ऐसे वार्तालाप या ऐसी भाषा को ज़्यादा प्रमोट करने का नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा मोमेंट ऑफ हीट में हो जाता है कि कोई भी ऑन फील्ड प्लेयर किसी भी अपने टीममेट हो या ओपोनेंट में हो कि गर्मा गर्मी में ऐसी भाषा प्रयोग कर लेता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि क्रिकेट को, खासकर सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट को, एक जेंटलमैन्स गेम की तरह ट्रीट किया जाए और ऐसा ही रखा जाए, क्योंकि ये जो अद्भुत और इतना अनबिलीवेबल स्पोर्ट है जिसकी शुरुआत में से माइंड जो जैसे कहते हैं ना क्लासिकल जो गेम है वो ऐसे ही बरकरार रहे और ऐसी जो ऑन फील्ड भाषा है ये भारतीय क्रिकेटर्स के साथ साथ कोई भी विदेशी क्रिकेटर यूज़ ना करे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, इस वीडियो को शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इंडियन न्यूज स्पोर्ट्स।